राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अभी जो आपको एक मुखी रुद्राक्ष मार्केट में देखने के लिए मिलता है वो बेसिकली तीन कंट्रीज से आता है। पहला नेपाल हो गया, दूसरा इंडिया है और तीसरा आपका इंडोनेशिया। मगर जो नेपाल से एक मुखी देखने के लिए मिलता है वो भी दो प्रकार का आता है। एक होता है जो कि राउंड शेप में होता है और एक होता है काजू शेप में। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकेंड, इंडिया में जो रुद्राक्ष आपको मिलता है वो भी तीन प्रकार का एकमुखी देखने के लिए मिलता है। एक राउंड होता है, दूसरा भी राउंड ही होता है और तीसरा होता है काजू शेप में। और जो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, वो लगभग गेहूं के दाने के जैसा दिखता है शेप में, साइज में उससे डबल साइज से स्टार्ट हो जाता है, बाकी थोड़ा बड़ा तक जाता है। ये तीन कंट्रीज के आपको एकमुखी रुद्राक्ष देखने के लिए मिलते हैं। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। नेपाल का जो राउंड होता है आप जानते ही हैं कि नेपाल का एक मुखी राउंड रुद्राक्ष नहीं आता है, वो अंडर डेवलप्ड होता है। ये हम पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। अगर आपको कोई दावा करता है कि आप उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष है गोल, तो आप उसको किसी भी अच्छी लैब में या फिर आईजीएल लैब में टेस्ट करा सकते हैं, या फिर आप उसका एक्सरे करा सकते हैं। आपके नियर में एक्सरे वाली मशीन की शॉप जरूर होगी, जहाँ पे नॉर्मली ह्यूमन का एक्सरे होता है वहाँ उसका एक्सरे कराएंगे, तो आपको उसमें एक से ज़्यादा सीड्स मिलेंगे, कंपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, तो वो अंडर डेवलप्ड एक मुखी रुद्राक्ष है। बाहर से वो एक मुखी है मगर अंदर से मल्टी सीड्स मल्टी कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। दूसरा एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का देखने के लिए मिलता है, उसमें नेचुरली एक लाइन भी मिलेगी, काजू शेप में लगभग लगभग वो होता है। तो कुछ लोग जो जानकार हैं रुद्राक्ष से वो जानते हैं कि एक सवार रुद्राक्ष आता है। सवार रुद्राक्ष में रुद्राक्ष के ऊपर एक छोटा सा रुद्राक्ष जुड़ा होता है, ऐसा लगता है कि एक अलग सा, जैसे गौरीशंकर होता है तो गौरीशंकर में दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े लगते हैं, लेकिन सवार रुद्राक्ष में ऐसा लगता है बड़े रुद्राक्ष के ऊपर एक छोटा सा, जैसे गणेश रुद्राक्ष के ऊपर एक हल्की सी सूंड होती है, यहाँ वो जो हल्का सा पार्ट है वो थोड़ा थिक होता है, उसके ऊपर एक लाइन होती है। उसको बहुत स्मार्टली लोग अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद वो एक मुखी रुद्राक्ष की टेस्टिंग करके उसको सेल किया जाता है, तो वो भी ओरिजिनली एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष को गोल होना चाहिए, तो वो भी इस पैरामीटर के हिसाब से ठीक नहीं होता है। सेकंड, हम बात करते हैं इंडिया के जो रुद्राक्ष आते हैं, इंडिया में गोल रुद्राक्ष भी आता है एक मुखी, वो देहरादून में पैदा होता है और उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक अंडर डेवलप्ड होता है, वो ऐसा ही होता है जैसा कि नेपाल का एक मुखी होता है कि बाहर से एक लाइन दिखेगी, लेकिन अगर आप उसका टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट कराने के बाद उसके अंदर मल्टी सीट्स मल्टी कंपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे। सेकेंड, एक मुखी ओरिजिनल भी आता है जिसमें एक ही लाइन होती है, एक ही सीड होता है और ये आपका ये भी देहरादून में ही पैदा होता है। तो ये राउंड एक मुखी आपको देखने के लिए मिलता है जो कि देहरादून में पैदा होता है। एक मुखी एक और भी आता है जो कि रामेश्वरम में पैदा होता है, जो कि हाफ मून काजू शेप में रहता है। नेक्स्ट एक मुखी आपका इंडोनेशिया का आता है, वो बहुत छोटे साइज में होता है, वो एक मुखी भी मतलब जेन्युइनली भी एक मुखी रुद्राक्ष वो होता है। अब बात रहती है कि एक मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष मेनली जो है, पहली बात तो जो उसके रूलिंग गॉड हैं वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर के होने से, अगर आप भगवान शंकर के थोड़े एट्रीब्यूट्स को देखें तो वो थोड़ा सा कम सोशल हैं, ध्यान में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं करते। आप जितने भी जहाँ पे भी आपने शिव जी का वर्णन सुना होगा या किसी सीरियल में भी आपने देखा होगा, तो आप पाते होंगे कि वो ज़्यादातर मग्न रहते हैं ध्यान में। तो एक मुखी पहनने वाला इंसान थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ बढ़ जाता है, सोशल कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ये एक मुखी के रुद्राक्ष से एट्रीब्यूट एक ये रहता है। उसके अलावा एक मुखी का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। सन मतलब पावर, गवर्नमेंट आप समझ सकते हैं, अथॉरिटी समझ सकते हैं। तो जो भी लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं वो पावर के काम में बहुत अच्छा काम करते हैं, या सोलफुल या फादर, जैसे सन एक सन फादर के तरह से भी देखा जाता है। तो एक नर्चर करना या एक रूल करना अथॉरिटी वाइज, ये सब भी एक मुखी से पहनने से एट्रीब्यूट में बढ़ोतरी होती है। बाकी एक मुखी किसके लिए बहुत अच्छा है, जो भी लोग जो हैं लीडरशिप की किसी भी काम में है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं या आपका टीम लीडर है या कोई सीनियर इंजीनियर है या कोई
टीम मैनेजर है, कोई भी इस तरह के लोग जिनको टीम हैंडल करनी है, जिनको लोगों को डील करना है, काफी सारे लोगों को उनको लीड करना है, ऐसे लीडिंग रोल के लिए एक मुखी रुद्राक्ष एट्रीब्यूट बहुत कनेक्ट करता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष ऐसे लोगों को धारण करने से उनको अवश्य ही लाभ होता है, और एक मुखी रुद्राक्ष के लिए बहुत सारे लोग उसके लिए उसको पहनना चाहते हैं, मगर एक मैंने आपको बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष इस तरह के लोगों को ही ज़्यादा धारण करने से लाभ होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी संख्या में पहना तो वो अपने परिवार से या और लोगों के कंपैरेटिवली उनका जो रुझान है, जो जुड़ाव है, उन्होंने कम महसूस करा है। ये एक दो की बात नहीं है, काफ़ी सारे लोगों से ये जानकारी मिली है, इसी के आधार पर हम ये आपको कह पा रहे हैं। तो एक मुखी आपको सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित या खुद में ज़्यादा लीन होने के बारे में है, तो ये अच्छा भी है। खुद में लीन होने से आप इंसान अपने आप को और भी निखारता है, खुद लीड करने की बात भी सोचता है, मगर सोशली वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम भी हो जाता है। तो ये थी एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात। अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष के में कोई देखना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक मुखी रुद्राक्ष वही वाला वीडियो में आपको दिखा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।